तो भाई ये है वो शॉप जिससे मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट बाय करता हूँ। और सबसे मेन बात है, आपको यहाँ पे सिंगल पीस भी मिल जाएगा। पूरी कश्मीरी मार्केट में ज़्यादातर लोग सिंगल पीस नहीं देते हैं। इस पे आपको रिफ्लेक्टर, LED वगैरह सब कुछ मिल जाता है, क्रोम वगैरह हर चीज़ की जो आपको नीड होती है गाड़ी में, एसेसरीज़ की, वो आपको मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है बेसिक मॉडिफिकेशन पार्ट टू। दोस्तों, इसमें जो मैंने कश्मीरी गेट से कुछ प्रोडक्ट बाय किए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और किस रेट में मैंने बाय किए हैं वो मैं बताऊंगा, जो कि आपकी बेसिक नीड के ही प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले जो है क्रोम हैंडल, और जो इनकी कॉस्ट में वो पड़ी थी 500 रुपीज़। दोस्तों, इसमें गैलियो के भी आते हैं। गैलियो के मैंने पूरी मार्केट में घूम के देखा, किसी के पास अवेलेबल थे नहीं, तो मैंने फिर ये अदर ब्रांड के परचेज किए हैं। मुझको जब मैंने परचेज करे तो मैंने पूछा था कि इसमें रस्ट वगैरह तो नहीं पकड़े, तो उन्होंने रस्ट की जो है वारंटी ली है कि इसमें आपको रस्ट नहीं पकड़ेगा, अगर आपका रस्ट पकड़ता है तो आप हमें वापस रिटर्न कर सकते हो। ये तो दोस्तों, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और ये मैंने 500 रुपीज़ के परचेज करे थे कश्मीर गेट मार्केट से। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ये 4 पीस मिलते हैं, और कुछ इस तरह की इसकी फिनिशिंग है। नेक्सोन चारों जो है एक जैसे ही होते हैं, आपको सिर्फ एक ड्राइवर साइड को छोड़ के आप कोई सा कहीं भी लगा सकते हो। ये वाला जो होल है, जो की वाला है, आपका ड्राइवर साइड लगेगा, बाकी आपको ये भी कहीं भी लगा सकते हो। बाकी मैं लगा के आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। दोस्तों, आपको इससे सस्ते भी मिल जाते थे, लेकिन वही उनमें रस्ट की दिक्कत। आप सस्ता खरीद लोगे लेकिन उसमें रस्ट आता है। बेटर होगा आप या गैलियो GFX में लें, या फिर गैलियो का ही परचेज करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप ये शोरूम से खरीदोगे तो 1000 से आगे वो ही पड़ता है। मेरे यहाँ 1400 रुपये का लग रहा था, तो मैंने उनसे परचेज नहीं करा। और दोस्तों, आपका जो अगर लोअर मॉडल है उसमें आपके ब्लैक कलर के आते, तो ये मैंडेटरी आपको लगवाने ही पड़ेंगे, वरना वो लुक आती नहीं है गाड़ी की। ठीक है, और ये मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। और जो सेकंड चीज है, मैंने परचेज करी थी एक टेंपल, जो कि हनुमान जी की है। इस पे जो रेट है आपको दिख रहा होगा 525 रुपये है, लेकिन ये मैंने परचेज करी है 250 रुपीज़ की। और मैंने जो अपनी इंग्लिश में भी की सेम यही रहेगी जो है टेंपल अपने में लगाई थी, वो मैंने करोल बाग से परचेज करी थी, वो मेरे को पड़ी थी 500 रुपीज़ की, और ये मैंने 250 की कश्मीर गेट मार्केट से परचेज करी है। ये कुछ इस तरह की है, ये यूनिटी ब्रांड की आती है। यूनिटी जो टेंपल ही बनाता है गाड़ियों की एसेसरीज के लिए, और काफी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, तो मैंने इसीलिए यूनिटी की परचेज करी है। सस्ती क्वालिटी के भी टेंपल्स आते हैं तो इतने अच्छे नहीं होते, तो उनका जो है रंग उड़ने लग जाता है बहुत जल्दी। तो ये हनुमान जी की टेंपल। और जो दोस्तों ने नेक्स्ट परचेज करा है, वो परचेज करा है मैंने बॉडी कवर। बॉडी कवर मेरे को पड़ा 1500 रुपीज़ का। और दोस्तों, ये है वाटरप्रूफ बॉडी कवर है। ये आपका ब्रेजा XUV 300 नेक्सोन वेन्यू और WRV के लिए यूजेबल है। आप किसी भी गाड़ी के लिए कर सकते हो। तो
दोस्तों आपके जो बॉडी कवर है वो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और जो इनकी कॉस्ट है 2500 रुपये तक जाती है। तो ये जो आपको नॉर्मल मार्केट में 2500 के अराउंड मिलता है वो वही है, वो वाला कवर है। और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें आपको नमी है जो गाड़ी के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो आपको मस्ट है ये बाय करना, वरना 4-5 साल में आपकी गाड़ी का कलर दूसरा हो जाएगा अगर आप उस पर बॉडी कवर यूज़ नहीं करोगे। अगर आप छत के नीचे खड़ी होती है तो आपको ज़रूरी नहीं है ये कॉस्टली बाय करने आए, आप 500 रुपये वाला भी बॉडी कवर बाय कर सकते हो। उसमें आपका ये है कि आपकी गाड़ी सिर्फ धूल मिट्टी से सेव हो जाएगी। मेरे वाटर प्रूफ से आपको गैप नहीं नज़र आ रहे होंगे, देखिए ये बेसिकली एक कोटिंग सी है इसके ऊपर जो पानी को अंदर नहीं जाने देगी मेरे हिसाब से। बाकी मैं आपको गाड़ी के ऊपर इसको डाल के दिखा दूंगा कि इसका फायदा ये कि आपका पानी वॉश और धूप तीनों से ही बचाएगी। तो वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है, अगर आपकी गाड़ी छत के नीचे अंदर खड़ी होती है तो आप सस्ते वाला भी बाय कर सकते हो। बाकी मैं आपको लगाने के बाद दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो भाई ये क्रोम लगने के बाद कुछ इस तरह की लुक देते हैं, जो ब्लैक थी डोर हैंडल थे उनसे तो जो काफ़ी ज़्यादा जो लुक है इनहेंस हो गई है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा लुक दे रहा है गाड़ी को। और ये जो अपना बॉडी कवर डलने के बाद इससे कि आपकी गाड़ी धूप में भी खड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, और अभी मौसम ऐसा है मार्च अप्रैल का कि गेहूँ वगैरह कटते तो धूल मिट्टियाँ ज़्यादा उड़ती है, हवाएं चलती है तो गाड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है और ग्रे कलर तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसलिए मैंने बॉडी कवर परचेज कराया है कि सेफ रहेगी गाड़ी, स्क्रैच वगैरह भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि बार बार आप गाड़ी साफ़ करोगे तो स्क्रैच भी लगते हैं गाड़ी पे, और गाड़ी आपको साफ ही मिलेगी जैसी खड़ी करोगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।